कल आरआरबी के ग्रुप डी का रिजल्ट अनाउंस हुआ और उसके बाद से मुझे लगातार कॉल और एसएमएस, साथ ही साथ फेसबुक पे भी ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर पर्टिकुलरली एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिर हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं। उसके बाद से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे पर्टिकुलरली आपसे बात करनी चाहिए कि आखिर ऐसी समस्या कहाँ आ गई, क्यों आप इस एग्ज़ाम में असफल हुए और क्या इस असफलता को हम इतना ज़्यादा अपने शोल्डर पे लेकर चलें कि हमें समस्याएं जो हैं आने वाले भविष्य में उत्पन्न होती दिखाई दें। क्या कोई एग्ज़ाम आपके कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बड़ा है? क्या ये एग्ज़ाम आखिरी है कि आपको इसके बाद कहीं और पर्टिकुलरली एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा या आप इसके बाद दोबारा से सफलता नहीं पा सकेंगे? तो मेरा जवाब हमेशा यहाँ रहता है कि ऐसा नहीं है। ये कोई आखिरी एग्जाम नहीं है कि जहां पर आपने सफलता प्राप्त नहीं की और उसके बाद आपका जीवन जो है वो अलग तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। आने वाले समय में कई एग्जाम्स आपके पास आने वाले हैं कंटिन्यूअसली। जो पढ़े बच्चे ग्रेजुएट किए हुए हैं उनके लिए एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकली हुई है, साथ में जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग पास किया हुआ या डिप्लोमा किया हुआ उनके लिए जेई की वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा ग्रुप डी की वैकेंसी आरआरसी में दोबारा से आने वाली है। तो आपके पास ढेर सारे मौके और ढेर सारी बातें आगे करने के लिए हैं जहां पर आप अपना पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में पाई गई असफलता आपके बुद्धिमत्ता को दर्शाती हो। याद रखिएगा, ये आपके बुद्धिमत्ता को टेस्ट करने का एग्जाम नहीं था, ये आपके पेशेंस को चेक करने का एग्जाम रहता है। यहां पर हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जब भी आप एग्जाम देने बैठते हैं तो वहां पर वो आपका इंटेलिजेंस चेक नहीं करता, वहां पर चेक होता है आपका कंसंट्रेशन। दैट मींस कि आपको अपने पर्टिकुलर नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए, आपको यहां पे काम करना है अपने कंसंट्रेशन पर कि आखिर किस तरीके से आप कंसंट्रेशन अपना इंप्रूव करें और एग्जाम में आगे की ओर बढ़ें। तो एक एग्जाम के सफलता को अपने कंधों पर लेकर मत चलिए, वरना आगे आने वाला जीवन जो है वो थोड़ा कष्टकारी हो सकता है आपके लिए। ये ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं कि बीते कुछ वर्षों में मैंने भी ऐसा अनुभव किया, जब मेरा स्कूलिंग टाइम चल रहा था या मैं कंपटीशन के एग्जाम दे रहा था, उसके बाद मेरे साथ भी कई ऐसे दौर आए जब मेरे एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार गिरता चला जा रहा हो। तो यहां मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आपको बस यही कहना चाहूंगा कि आपकी इंटेलिजेंस में कहीं कोई समस्या नहीं है, आपके सोचने और समझने में कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल यही होती है कि आप कंसंट्रेट कम कर रहे थे। कंसंट्रेशन लेवल को आपको इंक्रीज करना है। तो आखिर वो कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कैसे किया जाए, किस तरीके से हम यहां पर माने कि हां हम इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। ग्रुप डी के एग्जाम जिनके भी क्वालिफाई नहीं हुए, यहां पर कई लोगों का ऐसा एम होगा कि उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए, कई लोगों का ऐसा एम रहा होगा कि वो सरकारी नौकरी पा जाए। तो जिनका एम सरकारी नौकरी पाने का था, उनके लिए आने वाले समय में कई एग्जाम्स हैं जहां पर वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और जिनका एक एम जो है वो ग्रुप डी था, उनके लिए भी आने वाले समय में ग्रुप डी की वैकेंसी अनाउंस की गई है जो आने वाली है। तो होप मत लूज करिए। यहां पर समय है आपको अपनी गलतियों को देखने का कि आखिर आपने गलती करी कहां। कई लोगों ने हो सकता है उस जोन से एग्जाम भर दिया हो जहां पे कट ऑफ हाई गया हो। लेट अस सपोज अगर किसी ने कलकत्ता में एग्जाम दिया है तो उनका कट ऑफ काफी हाई गया है। हो सकता है कि वो अनडिजर्व कैटेगरी में 75 पा रहे हो, कलकत्ता में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन किसी और बोर्ड में हो जाता। That means, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आगे आने वाले समय में हम एनालिसिस करें कि आखिर हमारा जो पर्टिकुलरली एग्जाम है वो किस जोन से भरने पर लाभकारी होगा। तो ऐसे वैसे कहीं पर भी आप देखिए और बस हाँ चलो इस जोन से भरते हैं फॉर्म, क्योंकि हर कोई यहां से भर रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है। थोड़ा सा एनालिसिस करिए क्योंकि समय दिया जाता है एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए। यहां पर ये देखिए कि अभी इसे एनटीपीसी का फॉर्म 1 तारीख को आया और उसका जो इंड डेट है वो 31st है रजिस्ट्रेशन की। दैट मींस आपके पास 31st डे का समय, 31 दिन आपके पास है। तो आपके पास यहां पर 31 दिन है और जिसके बाद
आप फॉर्म भर सकते हो, तो 31 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। हड़बड़ी में कोई काम मत करिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। देखिए कहां के इस बार कट ऑफ कम गए हैं, वहां पे वैकेंसी कितनी है, और ये देखिए क्या आप वहां के लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। लेट अस सपोज कई ऐसे मेरे दोस्तों ने फॉर्म जो है वो भर दिया था त्रिवेंद्रम का, और वहां कट ऑफ थोड़ा सा हाई निकल गया, जबकि इलाहाबाद बोर्ड जो हर बार बदनाम रहता था हाई कट ऑफ के लिए इस बार लो चला गया। That means यहां पर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, कितनी ज्यादा वैकेंसी वहां पर अवेलेबल है, उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप पेड करें कि हाँ एब्रप्टली इतना कट ऑफ जा सकता है। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से भी जिनके पेपर आसान थे उनके नंबर हो सकता है घटे हों, और जिनके पेपर कठिन थे उनके नंबर होता है बढ़े हों। तो आपको कंसंट्रेट करना चाहिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंसंट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपका एक रूटीन चार्ट होना चाहिए कि आप आखिर अगले आने वाले 24 घंटे में क्या काम करना चाहते हैं। उसके लिए जब आप रात को अपने बेड पे जाते हो तो उससे पहले आप एक डायरी में अपनी बातों को लिखिए कि हां ये मेरा टास्क है जो मैं नेक्स्ट डे करना चाहता हूं। उस नेक्स्ट डे के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी ये काम किया हुआ, मैं भी डायरी लिखा करता, इवन आज भी मैं लिखता हूं जब भी मुझे लगता है कि मैं अपने पर्टिकुलर एम को पा नहीं रहा हूं और मुझसे गलतियां हो रही हैं, देन मैं लिखना शुरू करता हूं और लगभग एक महीने तक मैं राइटिंग करता हूं हर डे की कि मेरा नेक्स्ट डे कैसे प्लान होगा, और फिर मैं देखता हूं कि लाइफ काफी सिंक्रोनाइज होती है, फिर आने वाले 2 महीने जो है बड़े आसानी से कटते हैं मेरे। वही राय मैं आपको यहां पर भी दूंगा कि डायरी लिखिए, प्लान करिए व्हाट इज योर नेक्स्ट डे, और उस नेक्स्ट डे के अकॉर्डिंग आप अपना पर्ली डे जो है उसको बिताएंगे। तो यहां पर मेन प्रॉब्लम यहां है कि हम प्लान नहीं कर रहे हैं। हमें प्लान करने की आवश्यकता है कि हमारा डे जो है वो प्लान रहे और सही तरीके से आगे बढ़े। एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है और आप उसके लिए तैयारी करना शुरू करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अगले महीने से तैयारी करूंगा या 2 दिन बाद से तैयारी करूंगा। अगर आपने फॉर्म भरा दैट मींस आप फाइट में तुरंत आ गए, फॉर्म भरते ही आप जो है वो फाइट में आ जाते हैं कि अब आपकी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो यहां पर आपकी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है अगर आपने फॉर्म भर दिया है। और जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो थोड़ा सा एनालिसिस करें कि ग्रुप डी में कहां कहां कट ऑफ किस तरीके से गया है और किस तरीके से उन्हें एनटीपीसी का फॉर्म भरना है। जोन को प्रेफर करिए और उस जोन के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरिए। यहां पर भी मैं आपके सामने एनटीपीसी का पूरा जो कोर्स है वो डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। साथ ही साथ आपको मैं यहां पर एनटीपीसी के जीएस सेक्शन को काफी अच्छे से इलैबोरेट करूंगा, जहां पर आपके लिए बहुत सी बातें जो है वो आगे आएंगे और आपके एग्जाम में प्रॉफिट करेंगी। तो मैं आपको कोर्स दूंगा कि मैंने कई लोगों के चीजें को देखा और समझा तो मालूम चला कि थ्योरेटिकल पार्ट को ज्यादा टच किया गया था एज कंपेयर टू क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी इलैबोरेट करवाऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, और ये भी बताऊंगा कि आप एग्जाम के जो आपके 1.5 घंटे हैं 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, वो आप अपने 90 मिनट को किस तरीके से आप वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। 90 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ चक दे इंडिया का डायलॉग था ना, 70 मिनट है तुम्हारे पास, वैसे यहां पे आपके लिए 90 मिनट है तुम्हारे पास। वो 90 मिनट अपने लिए आप करिए, खुद से काम करिए और आगे बढ़िए। हैरी पॉटर में एक डायलॉग था जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है कि खुशियां हमें मिल सकती हैं कठिन से कठिन समय पर भी, अगर हम थाम के रखें रोशनी का दामन। दैट मीन्स कि अगर आपके सामने पॉजिटिवनेस है, आप देख सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या है, तब आप अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो डोंट लूज योर होप, बस कोशिश करते रहिए और सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस पे किसी को शक नहीं है। आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, बस आपको इंप्रूव करना है अपना कंसंट्रेशन। थैंक यू।